मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जयसी नगर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत गेहूराज के गेहलपुर गांव में गृह प्रवेश कार्यक्रम में वो शामिल हुए। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिला हितग्राही राजरानी के आवास का फीता काटकर उन्हें गृह प्रवेश कराया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब हर गरीब व्यक्ति का अपना खुद का मकान होगा। इसके साथ ही सरकार ने स्वामित्व योजना लागू की है। इसके अंतर्गत अब हर व्यक्ति का अपने घर जमीन पर खुद का अधिकार होगा, जिससे वो बैंक से होम लोन भी ले सकेंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने गेहलपुर गाँव में 29 लाख रुपए की लागत की नल जल योजना का भूमि पूजन किया, साथ ही 10 लाख के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि परिवहन विभाग में नए नवाचार कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में बसों के परिचालन में अंतराल बहुत कम है, अब अंतराल को बढ़ाया जा रहा है। साथ ही महिलाओं के लिए अलग से ड्राइविंग ट्रेनिंग केंद्र खुलवा रहे हैं। अभी पहला ड्राइविंग ट्रेनिंग केंद्र इंदौर में खोला गया, अब भोपाल जबलपुर उज्जैन सागर में भी महिला ड्राइविंग ट्रेनिंग केंद्र खोले जाएंगे। इंदौर में ड्राइविंग केंद्र खुला और वहाँ बहुत सारी महिलाओं ने प्रशिक्षण लिया, उससे बहुत लोगों में उम्मीद जगी है। आने वाले समय में हम सागर भोपाल जबलपुर उज्जैन में भी महिलाओं के ड्राइविंग टेस्टिंग केंद्र खुलवाने जाला है फ्री। उनके हम महिलाओं के खाने पीने की व्यवस्था करें, रुकने की व्यवस्था करेंगे। हमारा सोचना है कि सुरखी विधानसभा के एक एक गाँव में एक एक महिला के लिए पानी की समस्या से नहीं जूझना पड़े। हम देखते थे हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं 2-2 किलोमीटर तक कहीं कहीं पानी लेने जाती हैं, कई गांव में घंटों घंटों खड़ी रहती हैं हैंडपंप के सामने, तो उनकी पानी की समस्या का समाधान होगा। और हमने प्रयास किया है कि उनके घर घर के सामने टोंटी लगे, नल के द्वारा घर घर पानी पहुँचे, इस प्रयास की शुरुआत है। आज 3-4 गाँव में हमने करीब 1-1.5 करोड़ रुपया की योजनाएँ शुरू की शुरुआत की है। आगे चल के अनेक गांव में हम नल योजना की शुरुआत करेंगे।